खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिला के खड्डी चौकी अंतर्गत ग्राम गुजरेल की है, जहां ब्यास मुनि बस और जीप की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 3 महिला सहित 1 बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और घटना के कुछ ही समय में देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू कर दिए। वहीं रामपुर नैकिन थाना प्रभारी राजेश पांडे स्टाफ सहित घटनास्थल पहुंचे और लोगों को शांत कराकर घायलों को रामपुर नैकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। मझौली से हमारे संवाददाता कमलेश्वर सिंह की रिपोर्ट। गांव की बात किया है।